आज हम कवर करेंगे ओमेंस T20 एशिया टर्फ जो खेला जाएगा पाकिस्तान ओमेंस और यूनाइट अरब अमीरात के बीच UAE ओमेंस का बीच जो UAE ओमेंस और PK ओमेंस का बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबले में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा कमज़ोर होगा, यानी पाकिस्तान ओमेंस कमज़ोर होगी या UAE ओमेंस, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ आपस में कुल कितने मुकाबले खेले हैं और कौन सा टीम कितने मुकाबले जीते हैं और कौन सा टीम कितने मुकाबले हारे हैं। रिसेंट के फॉर्म में क्वींस का अच्छा रिकॉर्ड है, कौन सा कितने नंबर में बैटिंग करेगा और कौन सा कितने नंबर में बॉलिंग करेगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वीडियो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन से बात कर लेते हैं। MLE ये दो नंबर का बैट्समैन है जिनका सलेक्शन परसेंट की बात करें तो 96.45 है। इनका भी रिसेंट के फॉर्म खास अच्छे नहीं है लेकिन सलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है। अब बात कर लेते हैं UAE वेस्टइन, भाई इनकी सलेक्शन परसेंट लो है, ये अच्छे खासे बैट्समैन है और साथ ही साथ विकेट कीपर है। इन दोनों विकेट कीपर में से आप लोग किसी लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? अगर सेव लेना चाहते हैं तो MLE के ले सकते हैं, अगर थोड़ा रिक्सेबल लेना चाहते हैं 30-37 को आप लोग अपने टीम में रख सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं 30-37 को अपनी टीम में रखेंगे और यहाँ पर मोइन अली में से किसी एक को रख लीजिएगा। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का सेव टीम लगाते हैं तो इन तीनों में से आप चाहें तो दोनों के साथ जा सकते हैं क्योंकि बैटिंग पीछे भी है, अच्छे खासे दोनों कर सकते हैं। MLE का संभावना ज़्यादा है लेकिन रिसेंट के फॉर्म के अनुसार 30-37 का भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक के या दोनों के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड फॉर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 147 है। वेन्यू राजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुमला में खेला जाएगा। अब यहाँ पर एस अहमीन अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, ए राजा अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहा है लेकिन इन सब का रिकॉर्ड खास नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। आर राजिता इनका भी अच्छे खासे नहीं है। अब इनका जी फर्जन पाकिस्तान ओमेंस का ये ओपनर है, अच्छे खासे रिसेंट के फॉर्म में कर रही है। एल लोग की अच्छे खासे प्रदर्शन करने के संभावना रख सकते हैं। अभी मात्र ये तीन बैट्समैन है जो कि पाकिस्तान की बैट्समैन है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही है। अभी फ़िलहाल के लिए UAE का बैट्समैन अच्छे खासे प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को इस ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं वो बता देते हैं। यहाँ पर कुल इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर 6 मुकाबले हुए हैं। 6 मुकाबले में से जो बैटिंग फर्स्ट किया है वो 4 मुकाबले जीते हैं, जो बॉलिंग फर्स्ट किए हैं वो 2 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है और चेस्ट करना भी आसान हो जाता है दोनों। एन रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रही है, 5 मुकाबले खेली है, पाँच में से 4 बार फ्लॉप्स हुई है, 1 बार अच्छे खासे प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान की ओमेंस की बॉलर है यानी ऑलराउंडर है। अब ये ओपनर स्पिनर है और ग्राउंड भी स्पिनर को सपोर्ट करता है, ओपनर भी है, इसलिए मैं उसे अपनी टीम में पिक करूँगा। अब यहाँ पर केवन सलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है लेकिन रिसेंट के फॉर्म अच्छे खासे कर रही है। हर्ष होल्ट अच्छा खासा प्रदर्शन कर लेती है, रिकॉर्ड ठीक ठाक है। एब जॉक्सन का अच्छे खासे प्रदर्शन है, के शर्मा का, इनका 6 ओलंडर का 6 में एसन स्पिनर है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकती है। ओडेसन का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 5 मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर देखिए 8 ओलंडर में से आप लोग किसी ओलंडर को ट्राई कर सकते हैं, वह भी आप अपने तरीके से। अब आते हैं यहाँ पर बॉलर सेक्शन में।
बॉलर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं, आयसुआ अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, कभी अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एन नासु अच्छा खासा रिकॉर्ड है, ठीक ठाक कर सकते हैं। एस दुबिका अच्छे खासे बॉलर थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अच्छी फॉर्म में नहीं है। डी वेज खेलेगा तो अपनी टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, सलेक्शन परसेंट भी लो है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में से आप लोग किसी को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये चार ऑलराउंडर का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। अब मैं अपनी टीम में किस बॉलर को रखूँगा, किस ऑलराउंडर को रखूँगा, क्यों रखूँगा। अब मैंने यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में एम अली को लूँगा, ओपनर है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर दिया, बैटिंग मैं विशे लिया हूँ, और टी वेस्ट है एक जो है विकेट कीपर सेक्शन में सेव लिया हूँ, एक रिक्सी लिया हूँ। अब आते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में देखिए यहाँ पर ऐसा अमित को रिकॉर्ड अच्छे हैं, सलेक्शन पर्सन काफ़ी हाई हो गया है। एस गिरी और एस चंदकन लूँगा, और ये दो जो है पाकिस्तान वुमेन्स का बैट्समैन है। अब ऑल अंडर सेक्शन में आते हैं, ई वैसन एहसन को हरभजन को, ये तीनों को लूँगा, एफ जोक्सन को लूँगा, चारों का एंड पाँचों को लिया हूँ। पाँच ऑल अंडर लेने के बाद देखिए अब बॉलर सेक्शन में आता हूँ। बॉलर सेक्शन में इम्पोर्टेंट बॉलर के रूप में रहने वाले हैं कौन रहेगा, वो इम्पोर्टेंट बॉलर के रूप में रहेगा एन नासु, अच्छा खासा स्पिनर है, एस क्यूट प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर सात चार का नहीं, पाँच छः का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पहले से ही नज़र आ रही है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों स्ट्रॉन्ग बॉलर को भी हेरेगा और दोनों स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को भी हेलेगा। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बैट्समैन के रूम में एन नेसो अच्छा खासा स्पिनर है, आई क्यून को अच्छा खासा है, एन नेसुन इन दोनों में से किसी एक या दोनों के साथ जा सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए एक के साथ जा रहा हूँ। दूसरा में इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं एस क्यू, एस क्यू को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। सात और चार का मेरा कॉम्बिनेशन बन गया है। अब सात चार का कॉम्बिनेशन बनने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, यहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर आप लोग बैट्समैन में कैप्टन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ के अच्छे खासे स्पिनर था और जिसके कारण कैप्टनसी काफ़ी हाई हो गई है, कैप्टन इसे दीजिएगा वाइस कैप्टन के रूम में, और किसी को एफ जॉक्सन को ट्राई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए कैप्टन जो है ई ओएसन को दूंगा, कैप्टन अच्छे खासे प्रदर्शन करेगी, अच्छे खासे ओपनर भी है, मैं कैप्टन इसे दिया हूँ। और वाइस कैप्टन के रूम, इम्पोर्टेंट वाइस कैप्टन के रूम में रहने वाले हैं वो रहने वाले एफ यू या आई क्यू को अपने टीम में रख सकते हैं, एफ जॉक्सन को वाइस कैप्टन को रूम में मैं दे रहा हूँ। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।